बीते दिनों नेमावर में एक बहुत ही जघन्य हत्याकांड हुआ है। हमारी भलाई समाज के 5 लोगों को, जिसमें 13-14 साल के मासूम बच्चे भी थे, उनके साथ में दुष्कर्म करके, बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनको मौत के घाट उतारा गया। और वहाँ पर अपने ही खेत में उस दरिंदे ने उनको 10-10-12 फीट के गड्ढे करके उनको गाड़ दिया गया। प्रशासन के अधिकारी इतने गैर लापरवाह रहे कि 45 दिन बाद, 1.5 महीने बाद जो है नर कंकाल के रूप में वे सब मिले, जो इनकी गुमशुदगी 1.5 महीने पूर्व दर्ज कराई गई थी। और आरोपी पुलिस प्रशासन के संपर्क में था, उनके साथ सेल्फी ले रहा था और तो और वो ज्ञापन भी दे रहा था। वहाँ के एक पत्रकार महोदय ने इस मुद्दे को जब उठाया तो उनके खिलाफ आरोपी ने ज्ञापन भी दिया। तो ऐसी समय में हमें लगता है कि शासन प्रशासन का खुफिया तंत्र पूरी तरह लुप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इसके पश्चात संवेदनाएँ जिस प्रकार से हमारे को प्रदेश सरकार की मिलना चाहिए थी, वो न मिलते हुए अभी तक हमारा समाज जो है असंतुष्ट है। हम आरोपियों की फांसी की मांग करते हैं, साथ ही पीड़ित परिवार के लिए 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग करते हैं। प्रति मृतक के ऊपर 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। साथ ही सीबीआई जांच की जाना चाहिए ताकि जो अदृश्य आरोपी है, जो उनका जिनका संरक्षण था, वे लोग भी सलाखों के पीछे हों, ऐसी भलाई समाज मांग करता है। आज हम अखिल भारतीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी के नेतृत्व में ज्ञापन देने जा रहे हैं। खाते गाँव HDM साहब को ज्ञापन देना है, उसके बाद में नेमावर थाने का घेराव करना है। और हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और पीड़ित परिवार में जो भी बच्चे उनको सरकारी नौकरी दिया जाए। और उनके साथ में जो भी जघन्य हत्याकांड जिस आरोपी ने करा है, उनका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और 6 महीने के अंदर जितने भी आरोपी है सबको फांसी की सज़ा सुनाई जाए। भलाई समाज जो इतना पूरा जन सैलाब लेके जो जा रहा है, तो ये पूरे भलाई समाज में क्या जातिगत जो ये हत्याकांड हुआ है, किस संदर्भ में ये हत्याकांड हुआ है, तो आप दोषियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये क्या है कि हमारे दलित परिवार के लोग कहीं न कहीं उनका शोषण होता हुआ आ रहा है। हमारे देखने में हम देख रहे हैं सालों से उनके ऊपर शोषण हुआ है और ये भी एक शोषण का हिस्सा ही है। अगर इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ है, हमारे आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों को मारा गया है, तो कहीं न कहीं राजनीतिक दल प्रशासन का वही सपोर्ट होगा। 13 मई को हत्याकांड हुआ था, 48 दिन के बाद में उनकी बॉडी को निकाला गया। कहीं न कहीं विचारधारा ये बोलती है कि गरीबों को आज भी सताया जा रहा है, दलितों पे आज भी अत्याचार हो रहा है। उसके लिए हमारी अखिल भारतीय भलाई महासंघ की पूरी टीम दलितों के अत्याचार के खिलाफ खड़ी रहेगी। हमेशा उनके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी खड़े रहते हैं और जब तक हम जिएंगे, जब तक हमारे परिवार, हमारे दलित भाइयों के लिए खड़े रहेंगे।